मॉर्निंग बच्चों, आप सभी हिंदी की बुक निकालिए कक्षा फोर हिंदी की बुक निकालेंगे। कठिन शब्द
सभी करेंगे। बूंद किसी अंदर
जल समृद्धि स्थली। कविता के रचयिता श्री हंस वंश राय बच्चन है। तो कल कहेंगे गलत, पहले कर गलत, फिर सही, सही फिर गलत। आगे है भाषा की समझ। जब कार्य स्वयं न करके दूसरों से कराया जाए तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जागना सामान्य क्रिया है और जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया लिखेंगे
बादलों से निकलकर आती है।
इस कविता में बूंद का घर किसे कहा गया है? बादलों को। आगे है, इस कविता के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। प्रश्न नंबर 7 है, अंत में मनुष्य और बूंद की क्या समानता बताई गई है? लिखेंगे, बूंद की तरह मनुष्य भी घर से निकलते हुए बहुत सोच विचार करता है। आज हमारा पार्ट नंबर 5 यहीं पर, चैप्टर 5 यहीं पर समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 6 पैनल ले लूं दो चार आज हमारा पार्ट नंबर 5 यहीं पर समाप्त हुआ। कल हम अगला चैप्टर करेंगे 6 पार्ट 6 बैंगन ले लो दो चार। आप सभी को ये लिखना है कॉपी में और साथ में इसको याद भी करना है।